आज की क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के अंदर फोर्थ रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, एंड दिस रिएक्शन इज एंटायरली बेस्ड ऑन आइसोमेराइजेशन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये फोर्थ रिएक्शन है। कहा यह जाता है आइसोमेराइजेशन के अंदर कि जो एन अल्केन्स होते हैं, अगर आप उनको हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर एनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो जो भी हमारे पास एन अल्केन है वो आइसोमेराइज हो जाते हैं और ब्रांच चेन अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो मेजर प्रोडक्ट निकल के आता है इस रिएक्शन के बाद, हर एक रिएक्शन के बाद दो प्रोडक्ट निकलते हैं, एक माइनर और एक मेजर, तो इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट निकल के आता है हमारे सामने वो आइसोमर्स की फॉर्म में होता है। और ऐसा नहीं है कि माइनर प्रोडक्ट नहीं निकलता, बट होता ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में हम माइनर को काउंट नहीं करते हैं, और जो माइनर प्रोडक्ट होता है जनरली उसको रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है उस रिएक्शन में। वेला आपके लिए स्लाइट कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा कि एन अल्केन क्या है, फिर कैसे रिएक्ट करेंगे तो ये आइसोमर में कन्वर्ट होगा, ये मेजर और माइनर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आइए एक नया बोर्ड ले और आपको बताए कि हम ये सारी चीज़ें होता क्या है। देखो, अगर मैं बात करूँ CH3, CH2, CH2, CH3, तो अगर आपके सामने ये मैंने जो भी नेम लिखा है इसका नाम होगा क्या, इसका नाम होगा ब्यूटेन, IUPAC के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं इसको एन ब्यूटेन बोल दूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लॉन्गेस्ट चेन होता है जिसमें कोई सब्स्टिट्यूट या ब्रांच नहीं होता तो आप उसके आगे एन लगा सकते हो, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो ये मतलब हो गया एन अल्केन का, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट का क्या मतलब है, और उससे पहले हमें ये जानना है कि अगर मैं एन अल्केन को रिएक्ट कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड एनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये आइसोमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसके ब्रांच चेन स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अर्थ ये है इसका, मान लो कि जो प्रोडक्ट आप ऑब्टेन कर रहे हो सकता है कि ये वाला कार्बन, आप प्रिसाइजली नोट करो, ये वाला कार्बन जो है ये यहाँ से निकल के यहाँ जाके अटैच हो जाए और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए। तो आइए जरा समझे इस बात को, CH3, CH, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देना है आपको, ठीक है, और इसको डायरेक्ट अटैच कर दो CH3 के साथ, यानी कि इस वाले को आप इसके साथ डायरेक्ट अटैच कर दो, इसको उठा के यहाँ नीचे डाल दो। अब क्योंकि इसको जब नीचे डालोगे तो इसको यार तीन बॉन्ड चाहिए, तो जो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो इससे अटैच हो जाएगा, समझ गए मेरी बात, तो इसको नीचे यहाँ पे अटैच करा दो। अब देखो, जो प्रोडक्ट बन के आया आपका, ये एन अल्केन का ये एक आइसोमर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका सेम है। अगर यहाँ पे आप नोट करो, अगर आपको मैं अच्छे से बताऊँ तो यहाँ पे आप नोट करो, यहाँ पे कार्बन है 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन गिनो 3, 3, 6, 4, 10, ठीक है, तो 10 हाइड्रोजन, ठीक, और यहाँ पे भी गिनोगे तो वही मिलेगा C4H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो कोई अंतर नहीं आया, मगर स्ट्रक्चर देखो इसका और इसका काफ़ी अलग है स्ट्रक्चर। तो यही बोला गया कि अगर आप इस एन अल्केन को ना एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर एनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो यार उसका आइसोमर बन के आ जाता है। अब बात करते हैं मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या होता है। तो मेजर और माइनर की जब बात की जाती है तो दो प्रोडक्ट निकल के आते हैं, जैसे कि आपने पिछले रिएक्शंस में देखा होगा कि जब हम अल्केन को रिएक्ट करा रहे थे तो कई बार हमारे पास कुछ अल्कोहल, कुछ एल्डिहाइड जैसा सब्सटेंस प्रोडक्ट में आ रहा था। मान लो कि अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे अच्छे से, कि आप ना अल्केन को अगर आप रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आया, लेट सपोज प्रोडक्ट बन के आया अल्कोहल, ठीक है, प्लस में CO2 प्लस में वाटर, ठीक है, तो इसके अंदर ना केवल और केवल ये वाला प्रोडक्ट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ये प्रोडक्ट जो है इनमें आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो, हालांकि ये भी प्रोडक्ट है, तो ये हमारे माइनर प्रोडक्ट हो गए, माइनर प्रोडक्ट, और ये वाले हैं मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से जाके मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आइए जरा डिस्कस करें इस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या होने वाला है। तो वेल, वही होगा जो हम यहाँ पे अल्केन को रिएक्ट कराएंगे, और फिर ये अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर HCl बन जाएगा इसी का एक आइसोमर। आपको यहाँ पे दिख रहा है आइसोमर बन गया, सेम अल्केन है बट इसका अब आइसोमर बन गया, ठीक है। तो जो आइसोमर बन के आया यहाँ पे इस वाले केस में वो है 2-methyl pentane या फिर 3-methyl pentane, ये बात समझ गए। तो ये हमारा था आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, ओके। अब हम बात करेंगे एरोमेटाइजेशन के बारे में। देखो, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझ लो। तो हम बात करेंगे पहले एरोमेटिक
कंपाउंड के बारे में। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेसिकली वो बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड होता है, बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड, जितने भी बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड है उन सबको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हो। बेंजीन तो खुद हो ही गया, एक ही अपना बेंजीन हो गया पैरा सा। अगर आप कुछ और बनाने की कोशिश करो, जैसे इस पे आप NO2 जोड़ दो, ठीक है, आप इसके ऊपर Cl जोड़ दो, कुछ भी कर दो, तो ये सारे के सारे ना एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब यार ये फनी लग रहा आ रहा टेढ़ा, बट है यहाँ पे 6 बॉन्ड 6 कार्बन आइटम होंगे, ठीक है। चलो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है ये आप समझ गए। तो एरोमेटाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो ये एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होगा जहाँ पे अल्केन की मदद से, अब अल्केन की मदद से क्यों, क्योंकि रिएक्शन तो अल्केन का ही समझ रहे हो ना, तो अल्केन की मदद से अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कवर कर पाते हो प्रोडक्ट के अंदर तो वही आपका एरोमेटाइजेशन कहलाता है। वेल दैट प्रोसेस इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। लेकिन कुछ खास बातें इसकी होती है कि भाई हर अल्केन को आप एरोमेटाइजेशन के थ्रू जो है वो नहीं निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा गया है कि एन अल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन आइटम, यस ध्यान देना 6 कम से कम 6 कार्बन तो होने चाहिए। अब यहाँ पे 6 कार्बन आइटम क्यों होने चाहिए, क्योंकि आपको बेंजीन बनाना है और बेंजीन में कितने कार्बन की जरूरत है भैया, 6 की, कम से कम तो 6 होने चाहिए ना। 6 से ऊपर होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर 6 से ऊपर भी होगा तो फिर हम 2 times 3 times ऐसे ऑप्टेन कर लेंगे अपने बेंजीन या उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को। तो 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन आइटम अगर होंगे और अगर आप उसको हीट करो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, 773 केल्विन पे आप हीट करो और 10-20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप रखो, प्रेशर को जब आप हाई रखोगे और कुछ ऑक्साइड्स का आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, जैसे कि वेनेडियम हो गया या फिर क्रोमियम हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, जो आपको अल्केन दिख रहा है ना, इस अल्केन को ये साइक्लिक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, अटैच कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, फर्स्ट और लास्ट के बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है, देर इज नो सच बॉन्ड एग्जिस्ट, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सच ऑक्साइड व्हाट दे डू इज दे डायरेक्टली अटैच दीज 2 कार्बन टुगेदर। और होता यह है कि जब ये अटैच हो जाएंगे और कुछ हाइड्रोजन जो है सभी के ऊपर से निकल जाएंगे बाहर, तो अल्टरनेट पोजीशन पे एक तो डबल बॉन्ड आ जाता है, बेसिकली अपना बेंजीन बन जाता है अटैच होने के बाद। बात समझ में आ गई, तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग द अटैचमेंट ऑफ फर्स्ट कार्बन टू द लास्ट कार्बन, राइट। अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट में देखो, इफ़ यू फाइंड वेरी प्रिसाइजली दैट देर इज 2 प्रोडक्ट, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये अर्थ है प्रोडक्ट आपको एक ही मिलेगा, बट बॉन्ड जो है आप या तो यहाँ रखो या फिर आप यहाँ रखो। अब अगर यहाँ रखोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर आपका ऐसा भी प्रोडक्ट आ सकता है। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, बट जो अगर एक बार होगी फिर दूसरा रिपीट नहीं करेगा। हम 6th रिएक्शन की बात करेंगे, अगर आप अल्कीन को ना स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हो तो होगा क्या, कोई भी अल्कीन उठा लो, सपोज मिथेन है, अगर आप उसको रिएक्ट करते हो स्टीम के साथ, स्टीम समझ रहे हो ना, वेपर फॉर्म, और टेम्परेचर रखोगे, जाहिर सी बात है स्टीम वैसे भी हाई टेम्परेचर पे ऑप्टेन होता है, तो 1273 केल्विन का अगर आप टेम्परेचर रखोगे और कैटलिस्ट में अगर आपने निकल का इस्तेमाल किया, तो जाहिर सी बात है आपका जो मिथेन है यानी कि आपका जो भी अल्कीन है वो क्या देगा, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड देगा और डाइहाइड्रोजन देगा। इस मेथड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है जब हम डाइहाइड्रोजन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आई थिंक कि आप सबको हाइड्रोजन चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन में ये रिएक्शन पहले से मालूम होगा। तो आइए जरा समझ लें रिएक्शन हुआ कैसे। अब देखो ये आपके पास मीथेन है, मीथेन है मतलब एक अल्केन है, इसको आपने क्या किया वाटर के साथ, वेल ये वाटर नहीं है, ये एक स्टीम है, ठीक है, स्टीम के साथ बेसिकली आपने रिएक्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, जाहिर सी बात है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो प्रोडक्ट में बन के आता है कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ ऑब्वियसली अ हार्मफुल टॉक्सिक गैस, बट जो चीज़ काम की निकल के आती है हमारे लिए जो काम की है वो है डाइहाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन होता है जब अल्केन को आप स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हो। अब हम बात करते हैं पाइरोलिसिस के बारे में। होता क्या है कि जब हायर अल्केन यानी कि जब अल्केन की संख्या जो है 6-7 इनसे ऊपर इंक्रीज कर जाती है, अल्केन के अंदर कार्बन आइटम इंक्रीज कर जाते हैं इससे ज़्यादा, और अगर आप इस हायर अल्केन को हीट करोगे, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं लोअर अल्केन में। यानी कि अगर मान लो कि एक ऐसा अल्केन है जिसमें 12 कार्बन आइटम, ठीक है, तो हो सकता है वो 6 कार्बन आइटम में टूट जाए, या फिर ये हो सकता है 8-4 में टूट जाए, मतलब कि स्मॉलर अल्केन में वो टूट जाता है। Such decomposition reaction into smaller fragmented by the application of heat is called pyrolysis or cracking. समझ में आ गया? Pyrolysis और cracking का मतलब है higher alkene को heat के द्वारा break करके lower alkene में convert कर लेना। अब आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास higher alkene है। Temperature आपको जाहिर से बात है ज़्यादा देना है, तो 773 Kelvin का temperature आपने provide किया, तो it may be breakdown in the form of C6H12+H2. ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो है
हायर अल्केन या तो लोअर अल्केन में कन्वर्ट होगा या अल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप सोच के देखो, अभी भी कार्बन एटम उतना ही है, बट हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पे दो कम हो गए, तो कहीं ना कहीं कार्बन पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया होगा एक कार्बन पे, मतलब अल्केन से आपने अल्कीन ऑब्टेन कर लिया। यहाँ नोट करो, अल्कीन भी कर सकते हो, लोअर अल्केन के साथ साथ अल्कीन भी कर सकते हो। एक ऑप्शन तो ये था। दूसरा ऑप्शन ये था कि भाई ये जो 6 कार्बन एटम और 14 हाइड्रोजन है जो कि अभी हायर कंसीडर किया जा रहा है, ये 4 कार्बन एटम और 2 कार्बन एटम वाले अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। या तीसरा ऑप्शन ये था कि ये 3 में, ठीक है, 2 में और 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज है हायर अल्केन टू लोअर अल्केन और अल्कीन में भी। हाँ, अल्कीन को नजरअंदाज मत करो। तो ये पाइरोलिसिस के बारे में कुछ जानकारी थी रिएक्शन के बेसिस पे। अब बात करते हैं कि पाइरोलिसिस ऑफ अल्केन इज बिलीव्ड टू बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो आपसे ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू के बेस पे कि भाई बताओ, आप जो पाइरोलिसिस कर रहे हो ना, ये किस प्रकार का रिएक्शन है? तो आप बोलोगे कि मैकेनिज्म के तौर पे ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। अब फ्री रेडिकल का क्या अर्थ है कि यहां से हो सकता था कि CH3 में भी इसके रेडिकल्स जो है तो ये बाहर की ओर निकले हो, ठीक है, और फिर जाके ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हुआ हो। अब हम बात करते हैं कि प्रेपरेशन ऑफ ऑयल, गैस या जितने भी पेट्रोल या फिर उससे रिलेटेड सब्सटेंस होते हैं, इन सब को हम पायरोलिसिस के थ्रू ही फॉलोअप कराते हैं। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है कि पायरोलिसिस का रिएक्शन जो है वो पेट्रोलियम सब्सटेंस पे कैसे किया जाता है। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन और उसके ऊपर डिस्कशन।